दर्शकों एवं श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं पंजाब रूपनगर, जो कि माहौली के पास है। और यो तो रूपनगर जो फेमस है, वहां पे पुरानी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अगर हम देखें तो ये चंडीगढ़ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। वहां ले जाने का उद्देश्य ये है कि वहां हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा 2021 के सम्मान से सम्मानित उनको नेपाल में किया गया है। उनका नाम है अनुराग विश्नोई जी। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और हाल ही में आपको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सारी जो आपने जर्नी तय की है, इसके बारे में सारी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं अनुराग बिश्नोई, पूर्णतः निवासी जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में मैं अभी रूपनगर पंजाब में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में कार्यरत हूँ। हाँ जी, पावर प्लांट इंजीनियर की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। तो ये पावर प्लांट जो है आपका, ये किससे चलता है? सर ये पावर प्लांट कोल बेस्ड है और कोयले से चलता है आपका। जी हाँ जी। और कोयले के अलावा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, हाँ जी, जिसको जो एग्रीकल्चर वेस्ट बचता है, जैसे पैडी स्ट्रा हो गया, राइसस को भी, हाँ, इनको सर यूज करते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई? जी मेरी एजुकेशन सर, मेरा जन्म स्थान दिल्ली, 7 नवंबर 1985 को मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। और माता पिता सब बिजनौर में ही रहते थे, मोहम्मदपुर देवमल गांव है, वहां से मैं हूँ। और मेरी स्टार्टिंग से जो मेरी अपनी शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है सर। अच्छा, बिजनौर। हाँ बिजनौर से सर। हाँ अच्छा। और उसके बाद सर मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है, हाँ, वो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने सर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से ही किया है। अच्छा। और डिप्लोमा जो मैंने मैकेनिकल से किया है वो सर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन सरदार शहर राजस्थान से किया है सर। अच्छा, राजस्थान से आपका संबंध रहा है। और जैसे जी, तो जी, हम कहते हैं कि जो आपका जैसे सरनेम है विश्नोई, हमारे राजस्थान में विश्नोई समाज जो है वो वृक्षों के प्रति काफी, उन्होंने उनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। जी जी। और वो कहीं ना कहीं आपके आपके खून में भी देखने को मिल रहा है हमें। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। राजस्थान, तो राजस्थान में जो एक जोधपुर जिला पड़ता है, वहाँ एक खेजड़ली गांव है। हाँ जी। तो लगभग वहाँ मैक्सिमम बिश्नोई राजस्थान से ही है। हाँ जी। और जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर है सर वो खेजड़ली जो गांव है। हाँ जी। तो 1730 ईस्वी में सर वहाँ के जो राजा थे, हाँ, अभय सिंह थे, उन्होंने मेहरानगढ़ में फूल महल का निर्माण शुरू किया। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ सर कि लकड़ियों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वहां उनके जो जो राजा थे, उनके जो सेनापति थे, तो उन्होंने कहा कि एक खेजड़ली गांव है पास में, हम वहां से लकड़ी का प्रबंध कर लेंगे। अच्छा। तो वो सर वहां उस गांव में पहुंच गए। अच्छा। तो वहां के लोग पहले से ही जीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी थे। हाँ जी। तो उन्होंने उस चीज का सर विरोध किया। अच्छा। तो विरोध किया, तो उस जो विरोध को जो सामना किया वो स्वर्गवासी माता अमृता देवी बिश्नोई जी ने किया। हाँ जी। तो वो जो सेनापति थे वो नहीं माने, तो हाँ उन्होंने ये भी कहा, एक श्लोक उन्होंने उनके सामने बोला कि सिर साठे रू रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर हमारा एक पेड़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, हाँ, अगर हमारा सिर भी कट जाएगा तो वो भी हमारे लिए बहुत सस्ता सौदा है। हाँ जी। तो उन्होंने ये बात मानी नहीं, और उन्होंने बोला, अपने सेनापति ने अपने जो साथ में उनके आए थे सिपाही उनसे बोला कि पेड़ काटने की तैयारी करो। हाँ जी। तो पहले अमृता देवी बिश्नोई वो पेड़ से चिपक गई। अच्छा। उन्होंने बोला कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। हाँ जी। तो उनके साथ साथ जब वो नहीं हटी तो उन्होंने, उनके जो सिपाही थे उन्होंने उन पे वार किया,
और वो वहीं उसी जगह शहीद हो गई। उनके अच्छा उनके बाद उनकी दोनों बेटी ने जब आवाज सुनी, चीख की आवाज सुनी, वो बाहर आए, उन्होंने अच्छा देख कि माता जी को देखा कि वो पेड़ बचाते हुए और शहीद हो गई, तो वो दोनों बेटियां भी उनकी पेड़ों से चिपक गई और वो भी अच्छा शहीद हो गई। तो इसी तरह सर 217 परिवार के लोग, हाँ जी जिसमें 294 पुरुष थे और 65 महिलाएं थी, हाँ जी, उन्होंने सर बलिदान दिया पर्यावरण को बचाने के लिए। आज इतिहास में ये दर्ज है। एक जी जी जब भी हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, हम वृक्षों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आपने कहा, ये बातें सामने आती हैं लोगों को। और हमारे जो राजस्थान में तो जो प्रचलित ग्रंथ हैं और इसके ऊपर कई गीत भी लिखे गए हैं। जी बिल्कुल सर। अनुराग जी, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरी सिस्टर हैं, तीन अच्छा सिस्टर हैं मेरे पास सर। मेरी बड़ी सिस्टर है, सेकंड नंबर पे मैं हूँ, और मेरे से छोटी दो सिस्टर हैं सर। हाँ जी, अच्छा जी, और उनका अभी फिलहाल तो तीनों की शादी हो गई है। और हाँ जी अनुराग जी, कहा ये जाता है कि हर सफल जो व्यक्ति है उसके पीछे महिला का हाथ होता है। आपके जी केस में ये कहाँ तक सही है? सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं मुझे जो संस्कार मिले हैं हाँ जी वो मेरी माता जी से बहुत ज्यादा मिले हैं, हाँ जी क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उनका व्यवसाय था हाँ जी जो जनरल स्टोर होते हैं, हाँ जी और बाजार में जाके सामान जैसे बेचा जाता है, तो पापा जी सुबह ही निकल जाते थे, तो हम सब सुबह से शाम तक अपनी मम्मी जी के पास ही रहते थे। हाँ जी और मेरे दादाजी और मेरी दादी जी ने भी इसमें, दादाजी का भी मेरा बहुत योगदान है, क्योंकि वो शुरू से ही उनको पर्यावरण से भी लगाव था, और एक कहना चाहिए देश से बहुत प्रेम था सर उनको, अच्छा, तो उन्होंने शुरू से ही मुझे वैसे संस्कार दिए जो बहुत बढ़िया, आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। और कोशिश यही है कि मैं उनके जो संस्कार दिए हुए हैं उन पे खरे से खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अनुराग जी, हम देखते हैं कि आपने जो मुहिम चला रखी है, जंगल जी बचाओ, वृक्षारोपण जी जी करो, और जी जी बच्चों को भी इनसे आपने जोड़ा है, और ज्यादा आपके बारे में लोगों को उस समय पता लगा जब आप बसवाहा जंगल बचाओ अभियान से जुड़े। तो जी बिल्कुल सर ये बिल्कुल। बसवाहा जंगल बचाओ अभियान क्या था और कहाँ, कैसे आपका इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल सर। वैसे तो सर मतलब अपने खून में ही है कि पर्यावरण से प्यार और जीवों से प्यार। हाँ जी कंटिन्यूटी में ये पौधारोपण, जैसे कभी जन्मदिन होता है उस पे पौधारोपण चलता था, पर्यावरण दिवस पे भी पौधारोपण चलता था, ये एक्टिविटीज नॉर्मल चल रही थी बिल्कुल। और मैंने ये देखा है कि आप अपने बेटियों को भी साथ में रखते हैं और उन्हें जी भी जी पेड़ वृक्षारोपण में जब भी कार्यक्रम होता है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनके हाथों से भी लगवाते हैं और बाकी बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी सर लास्ट 2021 में हाँ जी बक्सवाहा का जो बक्सवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल हैं, अच्छा उनका उन वहां क्या था सर, उन जंगलों के नीचे सर्वे हुआ, जिसमें उसमें पाया गया कि जंगलों के नीचे डायमंड है। हाँ जी 2006 में आदित्य बिरला ग्रुप था, वो 2006 में ऑस्ट्रेलिया की एक माइनिंग कंपनी थी सर, रीटिंटो एप्लीपियोसेशन, उनको सर ये इसका टेंडर मिला, तो उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद जब वहाँ लोकल जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनका विरोध हुआ, उन्होंने विरोध किया कि भाई इनसे हमारा जीवन यापन चलता है, आप इन जंगलों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो सर वो फिर जो कंपनी थी वो कंपनी छोड़ के उस प्रोजेक्ट को चली गई। हाँ जी हाँ उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद अभी लेटेस्ट 2021 में फिर दोबारा ये जो टेंडर था वो आदित्य बिरला ग्रुप को मिला। तो वहां क्या था सर, वहां जो पेड़ थे उन पेड़ों को काटने के बाद उनके नीचे से डायमंड निकालने की तैयारी थी, जी वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको आदित्य बिरला ग्रुप को दे दिया लीज पर कि आप ये 50 साल के लिए ले लीजिए, और इसमें जितने भी डायमंड हैं 3.42 करोड़ कैरेट के डायमंड हैं उसके नीचे सर, वो जो जंगल है उसके नीचे, हाँ जी उसको निकालने के लिए सर
382.131 हेक्टेयर का जो जंगल था वो सब समाप्त हो जाना था, जिसमें जो जिन पेड़ों की संख्या, जिन जो पेड़ हमारे बड़े पेड़ कहलाते हैं, जिनकी एज 100 प्लस ईयर होती है, वो 2,15,875 पेड़ थे जिनको सरकार ने काटने का फरमान जारी कर दिया था। जी। तो सर हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान से मुझे जिन्होंने जोड़ा है जी। वो आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी पीपल नीम तुलसी अभियान के संयोजक है जो बिहार से अपना अभियान चलाते हैं, उनके साथ मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ था। हाँ, जाने माने पर्यावरणविद हैं वो। जी जी बिल्कुल, बहुत जाने माने पर्यावरणविद हैं जी, और उनका ही सर, उनसे भी मेरे को इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, उनसे मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें अपना योगदान अवश्य दें, तो मुझे तो एक इतनी खुशी हुई कि सर कि मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हूँ जिससे मुझे खुद मन को खुशी मिले, तो सर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और हमारे साथ अलग अलग राज्यों के लगभग 20 से 22 राज्यों के पर्यावरण योद्धा हमारे साथ जुड़े। जुड़ने के बाद हमने इस मुहिम को बहुत बढ़ाया, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए हमें ट्विटर का भी इस्तेमाल किया, ट्विटर का भी वो लेना पड़ा, जिसमें हमने उसमें ट्रेंड चलाया कि बक्सवाहा जंगल बचाओ, कि हमें बक्सवाहा जंगल बचाना है। और आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि वो ट्रेंड हमारा बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा, टॉप 10 के रेंज में आया, जिससे सबको बहुत खुशी भी हुई और एक मैसेज भी गया सरकार को कि अब कहीं अगर पर्यावरण के लिए कोई ऐसा संदेश या ऐसा आदेश दिया जाएगा जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचना होगा, तो देश से बहुत ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जो उसको रोकने के लिए सामने आएंगे। ये देखने में आया कि ये एक तरह का राष्ट्रीय, धीरे धीरे ये राष्ट्रीय अभियान बन गया और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस अभियान से लोग जुड़े और मेरे ख्याल से इसको फिर कोर्ट ने स्टे भी दिया कि आप इस पे अभी इस चीज को जो आप करने जा रहे हैं उसको जैसी यथास्थिति पे छोड़ें, और ये पर्यावरण प्रेमी जो इस अभियान से जुड़े थे उनके लिए एक बड़ी जीत थी। मैं इसमें बच्चों ने भी काफी योगदान दिए, उन्होंने पोस्टर्स देखे मैंने बच्चों के साथ में, बच्चों ने स्पीच भी दी और बड़े लोग भी और हर तरह के हर उम्र के लोग इससे जुड़े, एक जी जी। देश के सामने अच्छी मिसाल पेश की कि पर्यावरण प्रेमी जो हैं वो आज भी वृक्षों से प्रेम करते हैं, उनका संरक्षण चाहते हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सरकार को भी एक बार सोचने के लिए विवश कर दिया गया। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप अभी राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान से भी जुड़े हुए, ये अभियान क्या है और आपकी इसके पीछे क्या सोच है? जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पहले सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हमारी जो टीम बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान को बचाने के लिए कार्य कर रही थी, जी। उसमें हमारी टीम से कुछ सदस्य उस जंगल का सर्वे करने गए सर। जी। उन्होंने उस जंगल का सर्वे किया जिसमें डॉक्टर धर्मेंद्र जी और राजेश जी और कुछ और भी सदस्य हमारी टीम के वहां गए, उन्होंने वहां वीडियो भी बनाई और उनको सर कुछ पहाड़ जो थे उन पे ना स्केच मार्क मिली, रॉक पेंटिंग मिली, तो उन्होंने सर उस रॉक पेंटिंग की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाली और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो टीम होती है उन तक उन्होंने उसकी पहुंच की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ सर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद ही हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज आया जो कोर्ट में आरटीआई डली थी, जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें कोर्ट ने ये मैसेज दिया कि ये 40,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग है, ये विश्व धरोहर है और ये आप ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें आज हमारे 2,15,875 पेड़ भी हमारे सामने हैं। और बहुत खुशी की बात है कि मैं सबसे पहले तो उन सभी पर्यावरण योद्धाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो भी इस अभियान से जुड़े थे, हाँ जी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुहिम में अपना योगदान दिया जिसकी वजह से आज हम एक बड़े जंगल को बचा पाए सर। हाँ जी। और उस जैसा कि सर आपने कहा कि राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान भारत
का जो आपने नाम लिया उसका मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि उस मुहिम के बाद, उस मुहिम में हमें सफलता मिलने के बाद हमारा राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान के बारे में सबके व्यू आए कि हमें कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे हम अलग अलग प्रदेशों के पर्यावरण योद्धा मिलके एक समूह पटल पर कार्य कर सकें। हाँ जी। तो ये जो हमारा नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान समारोह हुआ उसमें भारत से भी 2021 में उसमें भारत से भी सर लगभग 70 के गिनती में पर्यावरण योद्धा पहुंचे थे। उन सभी से हमारी वहां वार्तालाप हुई तो सभी की सहमति प्रदान हुई कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए और हमने फिर वैसा ही किया। हमने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम हमने राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान भारत रखा। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि सिर्फ ओनली 2 मंथ में हमारे पास 20 राज्यों के पर्यावरण योद्धा उस अभियान की सहमति दे चुके हैं और आने वाले समय में उस अभियान किस तरह कार्य करेगा मैं आपको छोटे से शब्दों में बताना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में अगर पर्यावरण के ऊपर कोई भी आंच आती है या विकास के नाम पर विनाश अगर होता है तो राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान भारत के साथ जुड़े सभी अलग अलग राज्यों के पर्यावरण योद्धा इसका सामना करेंगे, आगे आएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने ना दें। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आप जो जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, वृक्ष लगाओ, वृक्षों का संरक्षण करो, ये बहुत आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं अपनी छोटे से शब्दों के माध्यम से मैं सभी श्रोतागण और दर्शकों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा सर कि सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है तो हम अपने घर से करें। सही बात। अपने बच्चों को समझाएं, उनको पर्यावरण के बारे में बताएं। हाँ जी। और एक सबसे अच्छा उदाहरण यह हो सकता है कि हम अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, हाँ जी, हम जन्म दिवस पर बच्चों से एक पौधा अवश्य लगवाएं। हाँ जी। और उन बच्चों को बताएं कि ये पौधा हमारे लिए कितना जरूरी है। हाँ जी। जैसा कि अभी पैंडेमिक के दौरान में हमें देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई, इस किल्लत के बाद बच्चों को भी पता है कि पैंडेमिक हुई है, उनको भी उनके ऊपर भी इसका बहुत असर हुआ है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हाँ हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हम पौधा लगाएं। और बच्चे सर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 1 साल 2 साल हमें उनको कहकर उनके जन्मदिन पर पेड़ लगवाना पड़े, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि 3रे साल जब बच्चों का जन्मदिन होगा और आपके माइंड से ये बात निकल जाएगी कि मुझे बच्चे से पौधारोपण कराना है तो आपका बच्चा आपको अवश्य ये बात बोलेगा कि पापा जी या मम्मी जी पौधा लाओ, मुझे पौधारोपण भी करना है। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। और हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, बच्चे देश का भविष्य है। और आजकल तो हमारे इधर शादी ब्याह जब भी होती है तो उसमें जो पत्रिका छपती है उसमें एक रस्म रखी जाती है, पेड़ लगाओ रस्म, तो जी, वो जी, भी है, शादी ब्याह में पेड़ को गिफ्ट किया जाता है, दूल्हा दुल्हन कहते हैं हम 51 पौधे या 11 पौधे या 21 पौधे लगाएंगे, शपथ भी ली जाती है। और एक अच्छी शुरुआत है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अनुराग जी, अब समय आ गया है, हम करते हैं आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।